अमित काफी दिनों से एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था। लोन वगैरह सब पता कर रखा था उसने। एक रोज ऑफिस जाते वक्त एक घर के आगे बोर्ड दिखा तो शाम को जल्दी निकल आया ऑफिस से। बातचीत करने वहां पहुंचा तो देखा सामने एक छोटे से लॉन में एक औरत बैठी थी। उनसे जाकर अमित ने बात की तो उन्होंने बताया कि वो घर उनको बेचना है, वो भी जितना हो सके उतना जल्दी। अमित को भी थोड़ी जल्दी ही थी, लेकिन फिर भी लोन पास होने में अभी थोड़ा वक्त लगना था, जिसकी वजह से उसने कहा कि मैम एक महीना तो लगेंगे शायद, उसके बाद ही पैसे वगैरह का इंतजाम होगा। जिस पर उस औरत ने कहा 15 दिन में कुछ पैसे अकाउंट में और कुछ पैसे ट्रांसफर करके आ जाए और बाकी उसे घर के लेने के बाद में ट्रांसफर कर दे। अमित को भी बात गलत नहीं लगी, उसने बस यूं ही पूछ लिया, इतनी भी क्या जल्दी है आपको इस घर को बेचने की, सब ठीक तो है ना इस घर में। उस औरत ने एक ही बात कही कि उसके पति की मौत के बाद से इस घर में उसे घुटन सी होती है, पूरा घर जैसे उसे काटने को दौड़ता है। अमित को भी घर एक ही नजर में पसंद आ गया था। पूरा घर अंदर से देखने के लिए अंदर गया, हर एक कोने में घूम घूम कर देखा और फिर सीधे छत पर गया। वहां से नीचे झांक कर देखा तो पाया एक आदमी पुराने चिथड़े से कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी और बिखरे हुए सफेद बालों में लॉन में खड़ा था और ऊपर छत की ओर अमित और उस औरत को घूरे जा रहा था। अमित शायद जिंदगी में पहली बार थोड़ा सा घबराया था। उसने उस औरत से पूछा कि वो कौन है, तो उस औरत ने कहा ऐसे ही एक पागल आदमी है जो रह रहकर यहां घुस आता है। अमित ने उस औरत की बात सुनने के बाद हंसते हुए कहा कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को संभाल लेगा। सारी बातें फाइनल की, कागज वगैरह भी चेक करवाए और अकाउंट नंबर पता किया तो उस औरत ने कनाडा में रहने वाले छोटे बेटे का नंबर दिया था जिस पर पैसे ट्रांसफर करने थे। पैसे ट्रांसफर करके और सारा सामान वगैरह लेकर आखिरकार अमित वहां शिफ्ट हुआ। सारा सामान अनपैक करना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम था। जरूरत भर के सामान तुरंत ही अनपैक करके सजा लिए और बाकी का सामान थोड़ा थोड़ा करके अनपैक करता रहेगा, इसीलिए सब उठाकर स्टोर रूम में रख दिया था। नीचे वापस आकर टीवी कनेक्ट कर ही रहा था जब अमित को ऊपर स्टोर रूम में रखे सामान की आवाजें आई। अमित दौड़ता हुआ ऊपर स्टोर रूम में पहुंचा तो देखा सब कुछ बिखरा पड़ा था। अच्छी बात यह थी कि टूटने फूटने का जैसा सामान उसके पास कुछ था ही नहीं। अमित ने देखा कि स्टोर रूम में लगी हुई एक छोटी सी बालकनी और भी थी। सोचा सामान बाद में ठीक करेगा। यही सोचकर बालकनी की ओर चार ही कदम आगे बढ़ाया होगा कि पीछे से उस कमरे से बाहर जाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित का ध्यान बालकनी पर था तो इस पर अमित ने ज्यादा गौर नहीं किया। अमित सोचा कि 2 मिनट बाहर बालकनी में ताजी हवा खाएगा और फिर नीचे वापस जाएगा। बालकनी में गया तो अमित एकदम खुश हो गया। वहां का नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ऐसी भरी दोपहरी में भी वहां देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दिन का नहीं बल्कि रात का वक्त हो रहा हो। अमित ने कभी ऐसा माहौल दिन के वक्त नहीं देखा था। वापस नीचे जाने को जब अमित पलटा ही था कि तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और फैलती ही चली गई, क्योंकि जो सारा सामान कुछ देर पहले बिखरा हुआ था अब वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पर पड़ा हुआ था। वो बंद दरवाजा भी अब खुल चुका था और किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज सुनाई दे रही थी। अमित भागा सीढ़ियों की ओर और जाकर देखा तो वहां कोई नहीं दिखाई दिया। अमित ने पूरे घर की खिड़की और दरवाजे को अच्छी तरीके से चेक किया और दिन भर में बाकी का काम निपटा करके
रात को जब सोने गया तो बदन थकान से टूट रहा था। अमिताभ सो रहा था कि तभी नींद में उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। जिससे घबराकर अमित की नींद खुली। अमित एक झटके से उठा और ध्यान से सुनने लगा तो समझ आया कि आवाज ऊपर के कमरे से आ रही थी। अमित उठा और धीमे धीमे दबे कदमों से ऊपर तक गया और दरवाजे पर कान लगाकर सुन रहा था तो साफ साफ समझ आ रहा था कि आवाज सचमुच उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। अमित ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पास पड़ी एक लोहे की रॉड ली और दरवाजे को एक झटके से खोला। कमरे की बत्ती जलाई तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ उस कमरे की खिड़की हवा से बार बार बंद हो रही थी और खुल रही थी। अमित अच्छी तरह से जानता था कि उसने क्या सुना था और अंदर उसे क्या दिखना चाहिए था, लेकिन अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। थकान की वजह से शायद इन सारी चीजों को देख और सुन पा रहा था वो। उसे लगा कि शायद अपनी थकान के कारण वो कोई बुरा सपना देख रहा था। यही सोचकर उसने एक सिगरेट निकाली और स्टोर रूम वाली बालकनी में पहुंचा और सिगरेट जलाकर एक लंबा कश लिया। अकेले रहने की कीमत यही एक बुरी आदत थी उसकी। कश खींचकर जब उसने धुआं फेंका तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उस धुएं को फूंक मारकर तितर बितर कर दिया हो। अमित को अभी अभी इतना बड़ा वहम हुआ था कि उसे ये भी एक अपना वहम ही लग रहा था। उसने दोबारा एक कश खींचा और धुआं छोड़ा और इस बार वो फूंक सामने से उसके चेहरे पर आकर लगी। अमित लगभग चीख पड़ा था। अमित की डर के मारे चीख तक नहीं निकल पा रही थी क्योंकि बालकनी में जहां से वो फूंक उसके चेहरे पर पड़ी थी उसके लिए किसी का उस बालकनी में होना जरूरी था। अमित ने खुद को संभाला, सिगरेट बुझाकर बालकनी का दरवाजा बंद करके स्टोर रूम से होता हुआ नीचे जा ही रहा था तभी स्टोर रूम में रखे एक डिब्बे से अलार्म क्लॉक बजने की आवाज आने लगी। अमित ने डिब्बे को ढूंढते हुए आखिरकार वो डिब्बा ढूंढ ही लिया जिससे आवाज आ रही थी। डब्बे को खोलते ही जो देखा वो देखकर चौंक गया क्योंकि डब्बे में एक पुरानी अलार्म क्लॉक तो थी लेकिन उसमें अलार्म नहीं बज रहा था, सिर्फ घड़ी के सुइयों की टिक टिक करने की आवाज चले जा रही थी। अमित भी आखिरकार एक इंसान ही था, घबराहट के मारे रात भर अपने कमरे में जागता रहा और पूरी रात एक झपकी भी नहीं ले पाया और फिर पूरा दिन भी आंखों आंखों में ही कट गया। और दोबारा एक बार फिर रात को आज जल्दी सोने की सोची तो आधी रात के बाद एक जानी पहचानी आवाज ने उसे फिर से जगाया। आवाजें धीमे धीमे बढ़ती गई और अमित की घबराहट भी। अमित एकदम से उठा और कमरे से बाहर निकला, उसके पास ही रखे रॉड को उठाया और ऊपर जहां से आवाज आ रही थी एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हुए उस कमरे की ओर जा रहा था। जैसे जैसे अमित आगे बढ़ रहा था अमित की धड़कनें काफी तेज होती जा रही थी, माथे से पसीना आता जा रहा था और दबे हुए कदमों से जैसे ही कमरे के पास पहुंचा तो आवाजें बंद हो गई। धीरे से अमित ने कमरे का दरवाजा खोला और जो देखा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था क्योंकि जो इतनी तेज मारपीट की आवाज थी और किसी के रोने की आवाज थी अब वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक ऐसा सन्नाटा और पूरा कमरा खाली, यकीन कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कि तभी एक और आवाज आने लगी जैसे कोई कुछ भारी भरकम चीज फर्श पर घसीटते हुए ले जा रहा था। अमित आवाज का पीछा करता हुआ और एक के बाद एक
रास्ते की सारी लाइटें जलाता जा रहा था, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उसे। और आवाज जैसे बिल्कुल उसके सामने से ही आ रही थी। पीछे पीछे जाते हुए वो वहां से बाहर तक गया और देखा तो लॉन की घास ऐसे दबी हुई थी जैसे कोई बहुत ही भारी सा सामान उसके ऊपर से घसीटते हुए लेकर गया था कोई। जब कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो अमित ने तुरंत घर में घुस के दोबारा सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और वापस अपने कमरे में जाने को हुआ तो सीढ़ियों पर कुछ दिखाई दिया, जिसे देखकर अमित के बदन में बहता खून जैसे रुक गया हो। सीढ़ियों के ऊपर से लेके मेन दरवाजे तक खून की एक लंबी सी लकीर बनी हुई थी, जैसे जो भी भारी चीज घसीट कर ले जाया गया था वो शायद कोई लाश थी। एक बार फिर पूरी रात जागते ही काटनी पड़ी अमित को, और सुबह उजाला होने पर थोड़ा सा ही सो पाया था। नींद खुली तो कुछ ताजी हवा खाने छत पर गया। छत के एक दो चक्कर मारे, टहल टहल के जब थोड़ा सुकून हुआ ही था कि एक बार फिर से उसके चिढ़ने की बारी थी, क्योंकि नीचे लॉन में वही पागल इंसान खड़ा था। चिथड़े जैसे कपड़े में बढ़ी हुई दाढ़ी, पता नहीं कब से उसने नहाया नहीं था, और आंखों के ऊपर आते हुए बालों के नीचे से अमित को देखते हुए उसकी मुस्कुराने भर की देर थी कि तभी अमित चिल्लाया, ओए रुक, तू वहीं रुक, आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं, तेरा हिसाब किताब सारा ही निपटा दूंगा आज, रुक अभी आता हूं नीचे। गुस्से में तमतमाया हुआ चेहरा लिए अमित नीचे गया, अपनी रॉड उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर लॉन में जहां वो पागल आदमी खड़ा था वहां पहुंचा तो देखा वो पागल आदमी वहां नहीं था। गुस्से में ही अमित वहां तक गया तो पाया कल रात घास भी वहीं तक दबी थी। उस दिन भी पागल इंसान वहीं खड़ा था और खून के धब्बे भी यहीं तक आए हुए थे। अमित ने उसी रॉड से वहां की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी और कुछ ही देर में एक हड्डियों का ढांचा निकला वहां से। पुलिस को बुलाया और पूछताछ में पुलिस को अमित ने बताया कि उसने ये मकान मिसिस अमोरिन से खरीदा था। तो पुलिस ऑफिसर का बस एक ही सबसे बड़ा सवाल था कि कौन मिसिस अमोरिन। अमित को अब तक इतनी चीजें दिखाई और सुनाई दे चुकी थी कि वो हर एक ऐसी चीज का आदि होने लगा था जिससे कोई भी नॉर्मल इंसान घबरा जाए। पुलिस वाले ने उसे बताया कि मिसिस अमोरिन तो 3 महीने पहले ही मर चुकी हैं। उनकी लाश इसी घर में उसी ऊपर के स्टोर रूम में बहुत ही बुरी हालत में मिली थी, जहां वो शायद 2-3 हफ्ते से पड़ी हुई थी। जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे वो उनके बेटे का ही था, जिसने सोचा कि सारी प्रॉपर्टी बेचकर ब्रोकर ने पैसे भेजे होंगे, इसलिए उसने भी कोई पूछताछ नहीं की। उस घर का पता किया तो सचमुच इस वक्त वो अमित के ही नाम पर था, जिसकी वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन केस तो बन ही चुका था और अमित को दिक्कत नहीं होनी थी, क्योंकि आसपास सभी गवाह हैं कि उसे आए हुए अभी यहां 2-3 दिन ही हुआ है। कंकाल को टेस्ट के लिए भेज दिया गया और अमित भी अपनी जिंदगी में लौट आया। उस रात जब अमित सोया तो उसकी नींद दोबारा एक आवाज से खुली। डरते हुए जब अमित ने आंखें खोली तो मिसिस अमोरिन अमित के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी, जैसे कितनी शुक्रगुजार थी वो अमित की। अमित को उन्होंने बताया अपनी जिंदगी का वो सच जो सिर्फ वही जानती थी। उनके पति उन्हें रोज शराब के नशे में मारते पीटते थे, छुट्टी के दिनों में उनसे बात भी नहीं करते थे। मिस्टर अमोरिन छोटी से छोटी बात के लिए सिर्फ और सिर्फ मिसिस अमोरिन को ही दोषी ठहराते थे, और बेइज्जत करना मारना तो इतना मामूली था कि मिसिस अमोरिन को इन सब की आदत हो चुकी थी। उनका बेटा कभी बीच बचाव करने आता तो वो उसे भी बुरी तरह से पीट देते। एक रोज जब उनका बेटा कनाडा जा चुका था और कुछ ही दिनों में मिसिस अमोरिन को भी अपने साथ ले जाने वाला था,
तब बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी। मिसेज अमोरिन की तबीयत खराब थी। मिस्टर अमोरिन ने उस रात ज्यादा ही शराब पी ली थी और उनके खाने से पहले ही मिसेज अमोरिन बुखार से तड़पती अपनी दवाई खाकर सो गई थी। मौत ने उस रात घर में तूफान मचा डाला था। मिस्टर अमोरिन शराब के नशे में धुत थे और मिसेज अमोरिन से खाना देने को कहा। वो किसी तरह उठकर खाना गर्म कर रही थी कि उनके हाथ से खाने का बर्तन गिर गया। घर में इतनी रात गए, अब मिस्टर अमोरिन को खाने को कुछ नहीं बचा था। उन्होंने वही किया जो कोई भी भूखा वहशी दरिंदा जानवर करता है। वो मिसेज अमोरिन पर टूट पड़े और उस रात उन्होंने मिसेज अमोरिन को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। बचने के लिए वो ऊपर वाले कमरे की तरफ भागी तो पीछे पीछे मिस्टर अमोरिन हाथ में बेल्ट किसी कोड़े की तरह चलाते हुए उनके पीछे दौड़े और अपने हाथ से उन्हें मार मार कर बदहाल कर दिया था। और मार खाते खाते ही मिसेज अमोरिन के हाथ जैसे जिंदगी लगाई। एक रॉड जो दरवाजे के पीछे पड़ी थी, उन्होंने आंख मूंद के खुद को बचाने के लिए मिस्टर अमोरिन पर रॉड चलाई तो उनका पैर लड़खड़ाया और वो ऐसे गिरे कि वो रॉड उनके छाती से आर पार हो गया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। मिसेज अमोरिन लाश को घसीटते हुए लॉन तक ले आई और बड़ी मुश्किल से दफना दिया और खुद ही जाकर पुलिस के पास सरेंडर कर दिया कि उन्होंने अपने पति को मार डाला है और जिंदगी भर के जुल्मों का बदला उन्होंने ऐसे अजीब तरीके से ले लिया है। लाश कहाँ थी ये किसी को नहीं बताया था कि मर कर भी मिस्टर अमोरिन भटकते रहे, और वही हुआ। मिस्टर अमोरिन की लाश ना मिलने की वजह से मिसेज अमोरिन को जेल की सजा कुछ ही महीनों की हुई थी और वो जब वापस आई तो कुछ ही दिनों के बाद उनकी लाश पुलिस को उसी स्टोर रूम में सड़ी हुई हालत में मिली। मिसेज अमोरिन जब तक जिंदा थी तब तक मिस्टर अमोरिन की आत्मा ने उन्हें परेशान किया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मिसेज अमोरिन के मारे जाने के बाद मिस्टर अमोरिन की आत्मा उन्हें हर रात उसी तरह से परेशान कर रही थी जिस तरह से जिंदा रहने पर करते थे। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मिस्टर अमोरिन की लाश उस गार्डन से मिलने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अमित उसी घर में आज भी रहता है और अब तो शादी और दो बच्चे भी हो चुके हैं उसके। सिर्फ वही जानता है कि वहां मिसेज अमोरिन अभी भी हैं, लेकिन वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि अमित ने ही मौत के बाद उन्हें एक जिंदगी दी थी। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।